आज हम लोग देखेंगे हैवी पीरियड्स आने के कारण क्या क्या हैं और उसके इलाज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे पीरियड ज्यादा मात्रा में आता है और क्यों आता है और उसके क्या लक्षण हैं और क्या उसके इलाज हैं, इसके बारे में अच्छे से देखेंगे डिटेल में। तो पीरियड्स का ज्यादा आना उसको बोलते हैं मेनोरेजिया। ज्यादा मात्रा में जो नॉर्मल होता है उससे भी ज्यादा मात्रा में पीरियड्स आना उसको मेनोरेजिया बोलते हैं। इसके मेन कारण हो सकते हैं, सबसे पहला है आपके हार्मोनल्स प्रॉब्लम। हार्मोनल्स प्रॉब्लम जो आपके ओव्यूलेशन कराते हैं और जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन करते हैं, अगर वो हॉर्मोन्स हमारे बॉडी में प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं बना रहे हैं तो वो हमको डिले कर सकते हैं पीरियड में या फिर एक्सेसिव अमाउंट में पीरियड्स ला सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रोथ इन यूट्रस। अगर आपके यूट्रस में कोई ग्रोथ हो गया है, एक्स्ट्रा फाइब्रोइड बन गया है या पॉलिप बन गया है या सिस्ट फॉर्मेशन हो गया है, वो भी आपके पीरियड्स को हैवी कर सकते हैं, ज़्यादा फ्लो कर सकते हैं। उसके बाद है जैसे कि कोई आईयूडीज है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जैसे कॉपर टी हो गया, अगर कुछ इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आप यूज़ करते हैं, लॉन्ग समय के लिए यूज़ करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का साइड इफेक्ट है कि आपको मोर अमाउंट में हैवी ब्लीडिंग हो सकता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रेगनेंसी मतलब जैसे कि आपको अगर कोई मिसकैरेज हुआ है, रिकरेंट मिसकैरेज हो रहा है, या तो आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, यूट्रस के बाहर लाइन में आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है, वो भी एक कारण हो सकता है हैवी ब्लीडिंग के। उसके बाद है आपको कोई कैंसर है, जैसे कि आपके यूट्रस में कोई कैंसर है या तो आपके ओवेरियन एरिया में कोई कैंसर है, वो भी कारण है हैवी ब्लीडिंग कराने का। उसके बाद है ब्लीडिंग डिसऑर्डर, आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, हीमोफेलिया जैसे हो गया, या तो आपके थक्के नहीं जम रहे हैं, तो ये सारे कारण की वजह से आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकता है, जो कि आपको इन फ्यूचर बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। उसके बाद अगर आपको अदर कॉसेस में देखेंगे तो एंडोमेट्रियोसिस हुआ है। एंडोमेट्रियोसिस मतलब जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होता है बच्चेदानी के अंदर में, वो लाइनिंग बच्चेदानी में ना होकर के बाहर की तरफ हो या आउटर एरिया में हो, ये भी एक कारण है। या तो आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हुआ है जिसकी वजह से आपको पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज हो गया है, एसटीडी की वजह से आपको पीआईडी हो सकता है, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज जो कि आपके सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ही होता है, तो वो भी एक कारण है पीरियड हैवी लाने का। या तो आपको किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर है, या तो आपको थायराइड से रिलेटेड डिसऑर्डर है, बीपी इंक्रीज है, ये सारे कारण भी आपके हैवी ब्लीडिंग करा सकते हैं। आप लक्षण में देखेंगे तो जिन महिलाओं को हैवी ब्लीडिंग होता है उनको हर एक घंटे में पैड चेंज करने की नौबत आ जाती है, और स्पेशली रात के समय उसको ज़्यादा पैड चेंज करना पड़ता है, और हमेशा कई बार ऐसा होता है कि दो दो पैड साथ में लगा के चलना पड़ता है। उसके बाद बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस फूलने लग जाता है, कुछ काम नहीं कर पाती, हमेशा वो काम्स को अवॉइड करेंगी जिससे उसको बहुत ज्यादा क्रैम्पिंग हो रहा है या पेन हो रहा है, तो ऐसे सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। अब देखेंगे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में जो डॉक्टर हैं आपके, वो पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पूरा पेल्विक का अच्छे से एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद कई बार पैप्समियर टेस्ट के लिए भी बोलते हैं, उसके बाद आपके जितने भी ब्लड टेस्ट है ये सारे करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे, उसके बाद आपके जो यूट्रस की जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम की, उस लाइनिंग का सैंपल लेकर के लैब टेस्ट में स्क्रीनिंग के लिए भी सेंड कर सकते हैं। इस तरीके से डॉक्टर वैराइटीज ऑफ ट्रीटमेंट मोडालिटीज यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट में देखेंगे सबसे पहले तो मेडिकेशंस देते हैं डॉक्टर, तो मेडिकेशन में जो डॉक्टर है वो बर्थ कंट्रोल पिल देंगे। बर्थ कंट्रोल पिल के बाद अदर ऑप्शन है सर्जरी के थ्रू भी ठीक करते हैं, जिससे जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसको पूरी तरीके से रिमूव करना पड़ सकता है, या तो आपके हिस्टेक्टॉमी करना पड़ सकता है, क्योंकि पूरा यूट्रस ही इन्वॉल्व है उसमें और आगे जा करके वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो पूरा यूट्रस को ही बाहर निकालना पड़ सकता है। तो ये सारे ट्रीटमेंट मोडालिटीज के थ्रू जो मेनोरेजिया की दिक्कत है उसको डॉक्टर ठीक करते हैं। आज हमने देखा क्या कारण है हैवी ब्लीडिंग के, उसके लक्षण क्या है, उससे क्या बचाव हो सकता है और उसके ट्रीटमेंट मोडालिटीज क्या हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।